दोस्तों आयुष्मान खुराना की फिल्म जो कल रिलीज हो रही है जिसका नाम है डॉक्टर जे। अब ये फिल्म पता नहीं क्यों थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया गया, क्योंकि इससे पहले इस फिल्म को डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाना था। इसके बारे में न्यूज़ भी आई थी और मैंने भी वीडियो बनाकर आपके साथ ये अपडेट शेयर की थी, लेकिन पता नहीं मेकर्स को क्या हुआ कि इन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई इस फिल्म को हम थिएटर में रिलीज़ करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बजट की बात करूं तो इस फिल्म का जो बजट है वो 30 से 35 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अब इस फिल्म का दोस्तों जो एडवांस बुकिंग मिला है वो क्या बताओ यार आपको, सिर्फ 35 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। अब दूसरी दिक्कत दोस्तों ये है कि शुक्रवार यानी कि 14 अक्टूबर के दिन कई सारी फिल्में आ रही हैं। एक तो सबसे बड़ी जो फिल्म है कंतारा वो आ रही है बॉलीवुड की तरफ से, डॉक्टर जी, और उसके साथ साथ कोड नेम तिरंगा भी आ रही है, और एक प्रतीक गांधी की फिल्म है वो भी आ रही है। तो लगभग हिंदी फिल्म से सिर्फ 10 से 11 फिल्म रिलीज़ हो रही है, गुजराती से भी दो फिल्में आ रही है, फिर तो मतलब काफ़ी सारी फिल्में आ रही है। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं या तो हम ऐसा कहेंगे कि फिल्म का जो रिलीज़ करने का टाइमिंग है वो गलत है, क्योंकि ट्रेलर देख के थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसका जो टॉपिक है वो थोड़ा फ्रेश होगा, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि कितना फ्रेश होगा। जो तिरंगा है कोड नेम तिरंगा वो तो डिजास्टर होने ही वाले, क्योंकि उसका तो क्या बोलूँ कि टॉपिक जो है उस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी बॉलीवुड की कई फिल्में देख रखी हैं, ऊपर से इस फिल्म का कोई हाइप भी नहीं है, तो वो फिल्म तो डेफिनेटली डिजास्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर जी जो टॉपिक थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, लेकिन उसका टाइमिंग थोड़ा गलत लग रहा है। ऊपर से दोस्तों इस फिल्म को अगर डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे डाल दिया जाता तो कहीं ना कहीं 5-10 करोड़ रुपए प्रॉफिट लेकर डॉक्टर जी के जो मेकर्स है वो बैठ सकते थे, लेकिन थिएटर में फिल्म रिलीज करने का फैसला उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती शायद होने वाली है। मुझे लगता है कि पहले दिन का कलेक्शन इस फिल्म का 2 करोड़ के आसपास भी लगभग नहीं होगा, 1.5 करोड़ के आसपास ही होगा, क्योंकि एडवांस बुकिंग एक तो इतनी मिली नहीं है, ऊपर से इस फिल्म के इतने शो जो है वो भी काफ़ी कम मिले हैं, क्योंकि कई सारी फिल्में आ रही हैं तो सबको थोड़े थोड़े शो तो बांटने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर कंटेंट इसका अच्छा हुआ तो फिल्म चल सकती है, लेकिन फिर भी इस फिल्म के पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन ही होंगे, क्योंकि उसके बाद दो बड़ी फिल्में आ रही है, राम सेतु और थैंक गॉड दिवाली के ऊपर। तो डॉक्टर जी का कंटेंट अगर अच्छा हुआ, अच्छा नहीं मतलब बहुत अच्छा हुआ, तो ये फिल्म दिवाली की छुट्टियों पर भी काम करेगी, लोग इसे देखने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो बजट है वो रिकवर भी हो जाएगा और फिल्म प्रॉफिट भी कर लेगी और हिट सुपर हिट कैटेगरी में भी आएगी। लेकिन अगर कंटेंट मतलब वीक निकला तो फिल्म ये अगले शुक्रवार ही फिल्म निकल जाएगी। तो मेरे ख्याल से OTT वाला जो फैसला था सबसे पहले वो अच्छा था। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।